सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं रूपा राम दादा दौरा और उन्हें कोई आख रहा है कि शौक बड़ी चीज है गांव बोंगरा और जिला जींद में, मतलब दादा ने इसे शौक है। आप पूछो ना, आप पलंग देखोगे कि ये पलंग जो बर रखे है ना, ये दादा ने अपने बर रखे हैं, पूरे ऊंचे ऊंचे पलंग है। डिजाइन कहोगे ना तो एक तो एक सुतरे डिजाइन, और दादा खेस भी बनाया करा है। मन्ने दादा पे पूछी मका एक खेस कई दिन में पूरा हो जाए, तो दादा का कहना कि बेटी एक दिन में कई कई खेस बना दिया करते। और डिजाइन की बात करे तो दादा ने मतलब बहुत बारीकी तो पलंग बर रखे, घने सुतरे पलंग बर रखे, यो तो कितना ऊंचा पलंग है, मतलब न्यारा देखने जोगा पलंग है। दादा की उम्र की अगर बात करे, दादा की उम्र करीब 80 के करीब हो रही है और आज भी दादा पलंग बरते हैं। राम राम दा। राम राम बेटा, सबना हाथ जोड़ के राम राम बेटा, भला करे भगवान सबका। अच्छा दा, आपने कहो कि अठन्ने ते मतलब आपने पलंग भरने शुरू करे थे, अठन्ने यानी रुपये का ब्याज दा? नहीं नहीं बेटी, मेरे घर से एक अठन्या का पलंग है। अच्छा, मेरा दादा लिया था कदे, हो अठन्या में लिया था? हाँ, अठन्या में लिया था, वो डांस से। अच्छा, मेरा दादा बरत गया, मेरा बाप बरत गया, मैं बरत गया, मेरा बेटा बरत गया, मेरा पोता है, आज पड़ पोते सोवे बेटी, छठी पीढ़ी चल रही, छठी पीढ़ी सोवे उस पे, सोवे है। हाँ बेटी, गरा बेली बंद गया हो। और आठने का आया था? हाँ, कुल आठने का बेटी है। तीन पलंग ले आया था, मेरा बाबू तीन भाई थे। अच्छा, तो मेरा दादा जीन से ले आया था तीन पलंग, आठ आठने के, 1.5 रुपये में तीन पलंग आए थे। रुका पड़ गया था, बोला तेरी बहन के शंगू से मार के, बोला तीन पलंग बला के 1.5 रुपये के लिए, तो आज मैं तीनों पलंग दिखाई सकूँ बेटी मैं अपने। तो दा मतलब उस टाइम पे तो फिर 1.5 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होगी बेटी। आठने तो बहुत बड़ी चीज़ थी उस जमाने में, तो अन्याय की बात है बेटी, चैरने की मजदूरी थी, बहुत बहुत पुरानी बात से बेटी, 125 साल की कम से कम भी। तो दही छठी पिडी उस पलंग ने बर्तन लाग रही है, बर्तन लाग रही बेटी, सो है आज भी। हाँ, मैं दिखाई दूंगा बिल्ली में। तो दो अटके भरिया भी है? हाँ बेटी, मन ने भरिया है। अच्छा, अटके भरिया बेटी, उसके पाए और सिर वे तो रह गए, और बाई बाई जाली थी बेटी, बाई बना और बड़ के गल बाई थी, पावे वे हैं, पावे वे हैं और सिर वे भी वे हैं। अच्छा, और बाई बाई जाली बेटी, बाई बना और गल बाई थी, बड़ के फिर मना सनका भर दिया, सनका भर दिया। हाँ, तो देखो मतलब पहली जो चीज होया करती ना, और काट की तो मेरे ख्याल तक कोई अद्धा कोने होती, और पहली चीज ना तो भी नुका करते इसी बनवाया करते, जो बुजुर्ग होया करते इसी लिया करते, दादा ले पोता बर्तन। हाँ बेटी, आड़े तो पड़पोता बर्तन लाग रहा था। हाँ, पड़पोते तो भी बड़े बड़े सड़पोता। हाँ, पड़पोते तो पड़ आप पोत... के हो गए। हाँ, मेरे पड़पोता बर्तन लाग रहा। हाँ, जी बेटी, उसकी तो की कमांग या पाऊ रहे, छठी सातवीं पीढ़ी चल रही, छठी पीढ़ी चल रही बेटा। अच्छा दनु बताओ, आप इतने सुतरे पलंग भर दो, डिजाइन काट दो, कड़े तो सीखे ये बेटी? यू मेरा बाप बढ़िया करता करते, और ओ कम जाना था बनने, और बेटी मेरे पर काम की दाब रही जानते हो, नहीं कहना खाट भर ले, और वो मेरा छोमा आया करता। अच्छा, तो बेटी वह तो लागी का खेला लगो है, ज्ञान का गाम का झटका वो है। फिर मैं बेटी अपना लाग गया उसके दौरा बैठ के न बनने, तो बेटी पहला आदमी छोमा बहुत आया करते, मड़ी उच को जल्दी मार दिन दे बेटी चौदह। हाँ, मारे बाप दादे बेटी चौदह तो गलत लगी गया, और न्यू कहते साहब नमो दे यू काम न्यू को नहीं न्यू मनाएगा। तो बेटी एक पलंग बन लग रहा था मेरा बाप पे। अच्छा, और बेटी उस पर खराब हो गया, और तो उड़ा बिल्ली में तड़ाया सो यार बना उड़ा के ने, और वो पलंग बेटी जितना खराब हो रहा था, तो एड़े किधर बनना जिस ढंग तो बड़ा था उस ढंग पर अनाए दिया मैंने, और उड़े खड़िया कर दिया जाके ला कर मैंने बोला हाँ बेटा बखा यू पलंग की चीज छेड़ा बखा मन तो नहीं बेरा नट गया भाई यूँ बोला ले नहीं बेरा बोला भाई जी ती छेड़ा वही बड़ा माँ को तो अपना गड्डी में चाल बखा उड़ा डांगर आंदो रहा बेटी मैं उस पर सीख गया था। अच्छा, और फिर मैं चौंपट खेलिया अर्धा बेटी खूब तब मैं चौंपट का बेरा है चौपट महाभारत के टाइम पर सुनिए दऊ तो हमने बेरा ना। हाँ, महाभारत के टाइम की बात है, महाराजा खेलिया करते। हाँ बेटी, वह चौपट अपने नगुरा में भी खेलते पावेंगे। अच्छा, और मारे भी खेलिया करते, राज भी खेलते मन माने। अच्छा, मैं खूब खेलिया करता बेटी। फिर मैं मेरे बाबू ने ला कर माँ बाबू बोला कहा चौपट बता वहाँ अपने पलंग में किसके गलरी है। अच्छा, चौपट पलंग में बना दिया करते? हाँ बेटी। अच्छा, फिर उससे खेल लिया करते ना दो पलंग दो लिया था तीन बोला मेरा बाबू लिया था बोला खपड़ा का माली बन गया था बोड़ा माली था और बोला मेरा घर उसे
खप्पड़ गांव का बूढ़ा माली तो वरना बिज्ञा बेटी उनकी बिल्ली आड़े लवाई है। अच्छा। मखा आवे भाई मखा गए बोल मखा न्यून्यू पलंग बोलारा भाई वहां तो टूटे फूटे पड़े तोड़ी वाला में ओमन ने बेटी बैर कर लिया लगन बहुत बड़ी चीज हो बेटी सही बात है। और जाहिर जुड़ के ना फिर मरना उसका देखा डिजाइन तो मरना मैं ताने की जोड़ी गिनी गिन गिन के तो बेटी मना अपना घर आया कि मना ताना कटा रखा तो मैं चाला चलाने लग गया। तो एक मेरा बाप एक मेरा ताऊ का बेटा दो भाई और पांच आदमी हो गया मैं वहाँ तो न्यू कहूँ बला के भाई शुरू है लेंगी और मैं कहूँ बला पाए पाया पे पट्टी के लेगी एक जना मन न्यू ला कर मिला भाई 25 रुपये और एक खंड का बहन दूँ अतरे। अच्छा। और एक भाई था और ला कर बोला भाई बलना पड़ेगा इसके बोला देख लेंगे मैं कहा भाई मेरा तो ब्याह उसको नहीं मेरा पर नहीं गया तो मैं कुछ नहीं बन दूंगा। तो बेटी बना मठाई दी ओका पी के ने कुआड़ दिए मैंने तो ये इनमें तो रंग बाण चल रही बेटी उस पलंग में 17 बाण चल रहे हैं उसमें। हाँ अच्छा। 17 जोड़ी चल रही है इसमें बाण 17 डाल रहे थे 17 बासना में दरिया था बाल्टी बेटी कोता हड़े ये तो जड़े डाएगा नहीं उड़े ब्रेक ही उठा था बेटी 17 बाण तो बहुत मुश्किल हो जाए है सही बात है। तो बेटी वो एक रंग का बाण था मैंने दोपहर लगा दी चौपट पर दिए और वह तो जो फिर बस दे जुकर बिल्ली फिर आकर इसकी मुस्ता की मारी मैंने खोल दी एक बार आधा आधी चौपट गाल दी मैंने आधी चौपट गालना मैं मिला एक मिला के भाई और जो ऐसा नहीं कहता नहीं बोला देने पड़ेंगे ये बोला देख रहा बोला आधी गाल दी बोला मोड़ लाऊंगा जो देखा मैं और भाई ला कर बोला जिसती आधी चौपट पर दी मोड़ नहीं लगेगा। सही बात है। तो बेटी वह मैंने चाह पानी पिया के मैं फिर ठह दिए और मैं एकांत में काम करूँ बेटी शांति में। हाँ कुआड़ मार के ने तो गने के कान खाऊ बेटी वह अगले दिन मैंने पूरा कर दिया और वह आएगी सारे ओ भाई ला कर मिला लिया भाई मैं 125 रुपये खंड का बांधते रात उठ के बैठ लिया। अच्छा। तो बेटी मैं उड़े तब मेरा काम चल हुआ था। अच्छा अच्छा फिर देखो देखो अगले दिन उस पलंग में चौंप उसमें बीच में। हाँ बेटी बीच में जो लाल फूल थे नहीं। हाँ ये लाल बीच में फूल रहा या तो हम पड़ गए इसमें। उस टाइम पे कितने साल के थे आप? उस टाइम पे तो बेटी मैं हूँगा 35-40 का। 35-40 साल के ने सिक्के थे ब्याह हो रहा था मेरी दादी आ रही थी 40 से भी पहले की बात से बेटी 30-40 का हूँ मैं। हाँ बेटी दादी आ रही थी। अच्छा दादी तो बेटी 17-18 साल की उम्र में ब्याह हो गया था पहला ही हो गया था पहले हो गया था पहला तो बेटी पढ़ने में ब्याह हो सगाई हो जाती खानदाना में अगर भाई ये तो गरिया ठीक से सत्याग्रह से है। हाँ। और उनके तो बेटी आज भी बाट देखे सत्याग्रह की तो सही बात से अच्छे घर की तो आज भी बाट देखे और बेटा पहला तो देखा है करते हैं जाए अच्छा घर की तो बेटी आज भी जो बाट देखे बड़े बालक पाजे अरे एक और हो गया बेटी आज तो जमाना में छोरी तो पढ़े हैं 100 में तो 90 और छोरे पड़े हैं बेटी 100 में तो 10 और बेटी खरपड़ा नहीं तो बालक ठीक से या तो कोई नहीं कहते फिर वह छोरी या बल पढ़ रहे छोरे रह गए थोड़े वो बालक को नहीं पढ़ना बेटी फिर बालक छोरी छोरी ज्यादा पढ़ गई अरे वह बेटा छोरे रह गए थोड़े फिर वो बालक को मिलते को नहीं आज अपने 28-30 साल की छोरी बेटी से और बेटी नरक मर्द वीर के बात हो या उम्र हो 17-27 की इसमें खेल ले खा ले बेटी काम धंधा सारा मेरे को बुरा भला मेरे को लिख लीजिए और वह 17-27 बाप का टूट जाए बेटी है तो आज जमाना में यह आवा गलत होगी बेटी पढ़ा हो पढ़ना चाहिए ना इन खास के बोली बेटी इन्हें तो भूख तो देखी को नहीं ये बिलैंत बिलैंत के तो रूंगटे बता रहे हैं और बेटी दो रखो मैं उस तरह फिर वाले है जनू कटुआ चैट रखा है माए से और फिर मकाना में निकड़े है गाल ले है और यूँ कहेंगे बाबू ने मोटरसाइकिल ले दे मेरा तो। अच्छा। बेटा प्यौन तो कोई नहीं प्यौन तो जी उड़ा पाऊंगा मैं लाइन पे बाबू ने बाबू को तो लट फस गया एक तो चला रह गया और अवे न्यू कह दी बोला मैं लाइन पे पाऊंगा फिर पिया नहीं फूकेगा बेटी हो तो आजकल बालक तो छोड़े तो बेटी नहीं
कि ये क्या को सौवा में दो चार बाल कर्म के उम्र में पहला तो टोटा था बेटी और टोटा में आदमी काम करेगा न्यूरानी बहने के भूखे मरा गए अरे पढ़ लो और बेटी पहला नौकरी भी सस्ती थी धक्के तो ले आकर मिलिट्री में धक्के तो ले जाकर और पहला तो न्यू को आकर बेटी मैंने देखे हैं फौज में लाग गया नहीं को और उसका जो कर मरे कि वो कहने जाकर न्यू जान दे हाँ भाई कोई बात नहीं तेरे चेहरे से न्यू सोच लिए तीन रह गए अच्छा ये मेरी बेटी मेरी पिंडी की बात सही है कबर कर जाकर दे फौज का हाँ अच्छा 1962 में बेटी अपनी पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और अपने दांत खाटे कर दिए थे और बेटी अपनी फौज से मर गई मैं मेरी बेटी बताऊंगा और अरे एक गांव गल दो फौजी छोड़े गए रिटायर अच्छा और जितने 17, 16, 17, 15, 18, 20 के छोड़े थे नहीं उन सारे रिश्ते उनके नाम लिख लिए रिश्ते बुला कर दे बेटी पढ़ना समाने पड़े थे कल लड़े और अपना उचारा मंडी का नहीं स्कूल मेरा सूर्यागढ़ बहुत सुथरा कलर था तो बेटिया मैं जानते वहाँ दो फौजी थे वहाँ कुया तो मैंने मुंदे गिर दे कुया सीधे और फिर मैंने खड़े करके कर दे साफ ढन फिर कहते विश्राम बेटी फिर मारे रेस करवा कर दे मैं तो जो इस आदमी का यू सज्जा पाँ अगान चलिया तो सज्जा आ चल रहेगा अच्छा खब्बा पसंद रहेगा जो खब्बा पाँव उठ के ना के चल रहेगा युवा था आगे चल रहेगा एक दो एक करवा कर दे वहाँ बारह पे और बेटी जी आती उसको जानते नहीं मारा लग गया था गट्टा पर डंडा अच्छा वो ट्रेनिंग करवा करते ट्रेनिंग करवा करते बेटी तो मारे गांव का एक साला था पुरानी बात बेटी मेरा बाबू गया और वो जमींदार मेरे बाबू का काका लग गया था थाल मरदार आसराम ओ काका आसराम हार बारू वार बारू वो बोला कि मेरे मामा ने कहो बोला मेरे तो एक आँख से चेहर छोड़े मेरे के एक वो आता बोला मसासी अरे यू बोला कि फौज में जावेगा बोला मैं तो वे उसका उठ और बोला लिया बेटी वो मारा गांव का साड़ा था जो बोला देखे इसके एक से और चेहर छोड़े मेरे की मसासी हुआ से अरे बोला इसका नाम काट दो कोई बात नहीं खर्चा लगेगा वो बेटी 10 तो लीटर पिए अच्छा उस टाइम पे 10 रुपये ले गया बोला साहब बारू राम मांगे गल टाल करांगे और बोला आपके भाई को गाल दिया कर 10 रुपये भी ले गया बेटी गोडे फूटे हुए मेरे न्यारे एक महीना लगे कुछ मुंडे गिरते कुछ सीधे गिरते ट्रेनिंग करवा दी उन्हें अच्छा बेटी फिर अपना की सलाह पाकिस्तान गल है सलाह होना मैं बेटी फिर अपना ऑर्डर किया या बोला भाई जितने जवान क्यों फौज तो समझ की थी अपनी भाई अपना जितने जवान से नहीं जिन्हें ट्रेनिंग होगी नहीं बोला को मैं भर्ती में आयश के हैं ये बेटी 5-7 बिक गए जैसे अगर भाई अरे धंधा कोई नहीं किसी का हौसला था किसी का धंधा की थी वहीं बिक गए वहाँ तो बेटी को 2 महीने में को 3 महीने में सारे भाई जी उठते छिक दिए क्यों हाँ तो बेटी पहला तो इसी काम थे अच्छा मास्टर भी थोड़े लग गया करते फिर मारी पिंडी तो पाछे खकार टूट गया फिर मास्टर लगने शुरू हुए हाँ बेटी मारे मास्टर बहुत से राज भी मारे बहुत से नौकरी पे ऐसा जो कर ई बीवी आप पलंग भर लो हो खेस भी बना लो हो ना बेटी खेस को नहीं बना मेरे पे अच्छा ये कौन बनाते ना पहले कितने खेस बनाए इतना खेस तो बेटी कई हजार बनाए दिए होंगे अच्छा कई हजार एक दो नहीं कई हजार एक दिन में क्या खेस बना दिया करते थे बेटी मना दिन दा मैं 4 भी 5 भी 4 भी क्या के सूत के बनाया करते थे सूत के बेटी ये अच्छा। पुरानी उनके भी नवी नवे जो सूत के बना करते ताकू वाला के देसी रुई के वह तो मेरे पे बना करते दो और खड्डी के थे बेटी मेरे 5-4 भी बनाए दिन दा मैं अरे जो कर दायो पलंग भरो तो एक पलंग कै दिन में भर दो बेटी यू तो काम अलग से अच्छा यू तो चल जाए 5-6 एक जोड़ी सराहना का इंतजार कटी गई नहीं और वह आगे जाए के अड़ जाएगी वह चलने को देवे पलंग ना और दूर लगा देना पड़ेगा अच्छा
परला पेलंग से नहीं मन कदे 20-25 दिन बैठाया हो। अच्छा, क्यों? उसमें बाण कही थी बेटी, उसमें डिजाइन कही थी। करीब पड़ पोते भी हो रहे हैं आपका? हाँ बेटी, पड़ पोते। तो मतलब पीढ़ी में किसी ने सीखे हैं ये बरने? ना बेटी, मेरे 3 पोते से। अच्छा। और एक पोता तो 28-30 साल का हो रहा, तो एक 25-26 का हो रहा है, एक 20-22 का हो रहा है। और मैंने ताण मार लिया। अच्छा। वहां तो मेरे दूरे को नहीं मिटते, ये मैं कुकर कहूँ। मैं दादा की उम्र डाकर बोला, इन्हें कौन पूछा है इतने का? बोला डबल बेड है जी का, मान लिया हुआ डबल बेड लिया तब। सही बात है। ऐसा जो नींद पाव हुआ डबल बेड अब थोड़ी ना आएगी बेटी। मैं बड़ी बात कह नहीं सकता, मेरे टाबर में कम से कम 40 पलंग से मेरे काका करता हुआ है। और मारा जगह बतरी दी राखी भगवान ने। और क्यों, नौकरी का भी ढांचा सुथरा है, मैं कमजोरी में हूँ भले जिसके बेटी दो दो तीन तीन मास्टर फौज में होगी, फिर कमी की रहेगी। मारा वो भी मास्टर आपका तो दांत की कलाकारी है। हाँ बेटी है, आपका उनर है। हाँ तो बेटी, यू तो मैं देख मन तिरा के बात बताई थी, मैंने पलंग बहुत बराखे हैं। एक कृषिंदु का वर्मा वर्मा है सुनार, और उसकी छोरे ने, उसका छोरे ने कड़िया सटोर में पलंग पाया टूटा फूटा, और वर्मा ने लाकर मिलाई थी ऊपर गेट दे भाई। बोला बाबू, बोला का एक चीज पाई, बोला मेरे दादे की। अरे यार, तो बोला मैं सामू गा के। सही बात से बोला, रहने दे, बोला जमा भी नहीं मानू। और बेटी दुकान सौड़ा करा था खड़ा मंडी में मोटरसाइकिल दुकान से, उतनी साफ करके नहीं उतनी, मेरा तो फोन कर जाओ छोरे का बाबू ने ताऊ मखा बेटा। बोला कि नीनी बात से मुन्ने जाना बहुत से बेटी, यहाँ अपना ऊंचाना ब्लॉक में 63 गांव से। अच्छा। 63 गांव में जो कहेंगे वो आ जाता हूँ डोरेणा। डोरेणा डोरेणा के नाम तो जाने दो बेटी। मैं पहला सरसाड़ा में था। अच्छा। अरोड़ा सरसा यू तभी सा बंदा है नहीं। हाँ। उस तबीज में बेटी 5 रुपया के 2 डोरे दिया कर दे। अच्छा। डेरे में। और बेटी मैं बहमी आदमी, मैं ये इन पिलंगा खर्च लिया नहीं, मैं डोरे ले आया। अच्छा। अब्बल 5-7 किलो ले आके ने, अब मेरे समझ में आएगी माही तो लाकेट में ठीक रहेगा, संगत थी कुछ आना है। मखा मना जोड़ी कर ली, मखा भाई भिक्षा गाल दो, भला बोलता हूँ मैंने सदा तो गणे दिन तो जाना है, अगर बताऊँ ठीक से। मखा भाई डोरे बोला को फिर की करेगा, तो बेटी में 1000-2000 ले जनता बनाया कि उनमें कट कट के। और बेटी को तेरे भर की छोरी को बुढ़िया पाई जानी और देश था नाम चर्चा समाप्त हो आप से कहना उठ बेबे बेटा उठ, ये बांड तो लुगा जा मैं माता में नाम है। और एक दो ने भाई ने कह दिन लड़ है दे दियो, खींच तो दियो ना, और वो एक मांगा कि 2 मांगा जाए दे दियो। ज्यादा डोरे वाला कह बेटी है, मेरे कई लाखों डोरे जा रहे हैं डोरे वाले के नाम तो। हाँ बेटी, बताओ आप 80 साल के करीब हो गए, 10-15 साल और बैठे रहोगे, चीज आपकी ले चली जाएगी। बेटी बात सुनो, जो इंसान विद्या नहीं सिखावेगा नहीं। हाँ। गुर देने का हो बेटी, नहीं सिखावेगा तो मनागा किच्छू और नहीं मनागा साफ। बेट के 3-5 लागे मेरे सड़क। और बेटी ज्ञान तो बनने का होगा, इब नहीं सीखे तो बेटी मैं किस्ती सिखाऊ? मैं तो बाणा की मशीन थी, मैं तो 2-3 छोरी टापर में चाहिए बैठो बेटी, यारे जवान छोरी थी जनरल खींचो बेटा काम है।